नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। भारत ने कोलकाता में हुए 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले को जीतकर वेस्टइंडीज पर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से मात देकर 3 मुकाबलों की T20 सीरीज में विजयी आगाज किया है। हालांकि इस जीत के बाद रोहित शर्मा ने ओपनिंग बल्लेबाज ईशान किशन की क्लास लगाई है। मैच के बाद रोहित शर्मा अपने साथी ओपनर ईशान किशन से बातचीत करते हुए नजर आए। इस मैच में रोहित शर्मा के सलामी जोड़ेदार के रूप में ईशान किशन को खेलने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने 63 के स्ट्राइक रेट से 42 गेंदों पर केवल 35 रन बनाए। इस पारी के दौरान ईशान किशन ले में नजर नहीं आए और बाउंड्री के लिए भी जूझते हुए दिखाई दिए। इस पारी के बाद कप्तान रोहित शर्मा भी काफी नाराज दिखे। रोहित शर्मा ने मैच खत्म होते ही ईशान किशन से लंबी बातचीत की। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रोहित शर्मा और ईशान किशन ने पहले विकेट के लिए 7 ओवर में 64 रन की साझेदारी की, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान कप्तान रोहित शर्मा का ही था। रोहित शर्मा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईशान किशन पर खुलकर बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित शर्मा से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं ईशान किशन से लंबे समय से बातचीत कर रहा हूं, जब वे मिडल ऑर्डर में मुंबई इंडियंस के साथ खेलते थे, हालांकि वो उनकी पोजीशन नहीं थी। हमने चेन्नई में हुए एक मुकाबले में देखा था कि धीमी पिच पर उन्हें शॉर्ट्स खेलने में परेशानी होती है। मैं बस उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाह रहा था ताकि जब वो अगली बार ऐसी स्थिति में फंसें तो बीच बीच में अपना दबाव कम करने के लिए बाउंड्री लगा सकें। बता दें, पहले T20 मैच में रोहित शर्मा ने एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते नजर आए। वहीं दूसरी ओर ईशान किशन की शुरुआत काफ़ी धीमी रही। रोहित शर्मा ने महज 19 गेंदों पर 40 रन का योगदान दिया तो वहीं ईशान किशन 12 ओवर तक बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन केवल 35 रन ही बनाए। हाल ही में मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। ईशान किशन के पास शानदार वापसी का मादा है। रोहित शर्मा ने कहा कि वे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी नए हैं, ऐसे में जब भी भारत के लिए खेलता है दबाव रहता है, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर से दबाव कम किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।